हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज हम देखिए ये सॉक्स बनाएंगे। तो इस पे मैंने 43 फंदे डाले हैं, एक ही कलर से बनाएंगे हम इसको। 43 फंदे डालने के बाद 1, 2, 3, 4 धारियां मैंने ये उल्टी उल्टी बनाई हैं, और पांचवी धारी पे हमने ये सिर्फ 20 ही फंदे उल्टे बनाए हैं, और 20 ही हम इस साइड बनाएंगे, और बीच के 3 फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो अब हम धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, इन 3 फंदों पे ये 20 फंदे हैं, 20 इस साइड और बीच के 3। देखिए किस तरह से बनाएंगे। एक हमने ये देखिए सीधा बना लिया, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर अगला सीधा बनाया और अगला एक फंदा फिर बढ़ा लिया। एक सीधा, 2 सीधे और एक तीसरा भी सीधा, और बीच में 2 हमारे उल्टे। अब 20 फंदे फिर हम पूरे उल्टे बनाएंगे, और इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, और सीधी सिलाई पे फिर बताती हूँ मैं आपको। अब अगली सिलाई पे देखिए, सीधी साइड है हमारी, तीसरी सिलाई है। तो फिर से ये सीधा फंदा हम सीधा बनाएंगे, और ये जो हमारा पहले फंदा बढ़ाया था इसको हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और ये जो बीच फंदा है बीच वाला, इसके दोनों साइड पे हम फंदे बढ़ाएंगे। हमेशा सीधी सिलाई पे यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले एक था, अब 2 हो गए। फिर सीधा बनाया, इसके दोनों साइड, जो बीच वाला सीधा फंदा है इसके दोनों साइड हमने फंदे बढ़ाने हैं, और इनको हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 हमारे उल्टे हो गए, एक सीधा 2 उल्टे, एक सीधा 2 उल्टे, एक सीधा, और बाकी के फंदे फिर धागा आगे करके 20 फंदे उल्टे। इसके बाद उल्टी सिलाइयां सभी उल्टी बनेंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये फंदे हैं, 8 सिलाइयां लगाएंगे हम, और 9वीं सिलाई पे आगे बताती हूँ क्या करेंगे हम। तो ये जो सीधा फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, अगली बार 2 फिर उल्टे बनाएंगे, और इस बीच वाले फंदे पे हमने दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते जाना। तो अगली जो हमारी 6ठी सिलाई है उस पे यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी बनाएंगे। तो ये मैं 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। यहाँ बीच वाले फंदे के दोनों साइड हमारे 4-4 फंदे उल्टे आएंगे, तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड, अब देखिए ये हमारी 9वीं सिलाई है। ये देखिए, ये सीधा फंदा, इसके बीच में हमारे 4 फंदे उल्टे ए सीधा, 4 फंदे उल्टे ए सीधा। अब देखिए 20 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे हम। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये लास्ट वाला फंदा भी हमने बना लिया। अब देखिए जो हमारी पहली लूप है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह से हमारी ये एक पत्ती बन गई यहाँ पे, इस तरह से। अब धागा आगे करेंगे, 1
दो तीन चार, चार फंदे फिर हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे करा। अब फिर से ऐसी पत्ती इस वाले पे बनाएंगे, इस वाले पे भी एक फिर से दिखा देती हूँ मैं। ये जो हमारी लास्ट में पहली बनेगी इसको थोड़ा लंबा करना है इस तरह से, एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ। ये जो हमारी पहली लूप है सबसे पहले इसको इस साइड करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसने ये देखिए पलटा, इस तरह से इसको सीधा करेंगे पहले। अब देखिए पहली लूप इस तरह से निकालेंगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं, तो इस तरह से हमारी ये पत्ती बन के आ जाएगी। इसी तरह से मैं ये लास्ट वाले भी बना लेती हूँ। दो तीन चार पांच छः सात। अब इसी तरह से मैं इनको पलट के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी तीन पत्तियाँ बनके कंप्लीट हो गई। अब फिर धागा आगे करेंगे, इन 20 फंदों को उल्टा बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद दोबारा से स्टार्ट करना बताऊंगी। अगली बार फिर से हमने वैसे ही तीन पत्तियाँ बनानी है, तो अगली सिलाई पे दिखाती हूँ। अब अगली सिलाई देखिए, 20 फंदे हमने वैसे ही उल्टे बना लिए, अब ये वाला फंदा भी हम उल्टा बना देंगे, एक दो तीन चार, ये हमारे चार फंदे पड़े तो 24 फंदे हमने ये बना लिए। अब इस बीच वाले फंदे के दोनों साइड वाले फंदों पे हम वैसे ही ये पत्तियों का डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए ये फंदा अब हम सीधा बनाएंगे, एक वाला एक फंदा फिर बढ़ाएंगे, ये वाला फिर सीधा बनाएंगे और ये वाला फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे और ये फंदा फिर हमारा सीधा हो गया। अब धागा आगे करके 24 फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे, इस तरह से उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी। तो मैं इस तरह से यहाँ पे तीन बार पत्तियों का डिजाइन बनाऊंगी, एक बार बना लिया, एक बार ए और एक बार आगे। अगर वहाँ तक हमारे फंदे कंप्लीट हो जाते हैं तीन में, तो फिर मैं आगे नहीं बनाऊंगी, नहीं तो थोड़ा सा आगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाया मैंने। तो ये मैं बना लेती हूँ तीन बार फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, एक दो तीन, तीन डिजाइन बनाए मैंने पाँच छः नंबर के लिए। अगर इससे बड़ा बनाना है आपको तो यहाँ पे एक और बढ़ा लीजिए, तो आपका ये सात आठ नंबर के लिए आ जाएगा। अगर उससे बड़ा बनाना है तो एक और बढ़ा लीजिए इस तरह से। अब इस साइड देखिए हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड, जब हम ए वाला फ्लावर बनाएंगे, ये पत्ती वाला डिजाइन, तब भी हमने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाना है। उस टाइम मेरे को याद नहीं रहा, पर
पांच पांच फंदे, देखिए पांच पांच इस साइड पांच इस साइड, दस फंदे इस डिजाइन में बढ़े, दस इसमें और दस ही इसमें, दोनों साइड पांच पांच। अगर इससे बड़ा बनाना है आपको सात आठ के लिए तो एक डिजाइन और बना लीजिए, अगर उससे भी बड़ा बनाना है तो एक डिजाइन और बना लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास है 73 फंदे हुए हैं टोटल। तो अब इन सभी फंदों को हम सात धारियाँ उल्टी उल्टी बना देंगे। देखिए यहाँ से मैं उल्टा बनाती हुई आ रही हूँ और सभी फंदों को अब ये हम बूट बना रहे हैं बिना अंगूठे वाला। तो इस तरह से हमें अपनी सात धारियाँ उल्टी उल्टी बना देंगे सभी फंदों को दोनों साइड से उल्टा बनाते हुए। ये देखिए सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा। ये सात धारियाँ बनाने के बाद फिर हम सभी फंदों को बंद कर देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको सिल के बताऊंगी। ये इस तरह से हमने इसको सिलना है बिना अंगूठे वाला। बस ये देखिए उल्टी सिलाई भी बता देती हूँ किस तरह से बनानी है उल्टी। ये हमारी सीधी साइड थी, ये देखिए डिजाइन वाली साइड, अब ये उल्टी है तो उल्टी भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो फ्रेंड ये मैं सात धारियां बना लेती हूँ फिर आपको सिलना बताती हूँ। बस इसी तरह से हमने इसको बना देना है तो मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड इसके बाद मैंने सात धारियां बना ली हैं, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, और सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब सीधी साइड हम अंदर की साइड करेंगे। और पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे इसको, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वैसे ही सिलना है जिस तरह से हम सिलते आए हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो बार सिल देना है और बाकी हमने हर एक लूप में से एक एक बार इस तरह से निकालते हुए नीचे तक सिल देना है। नीचे तक सिल लेती हूँ मैं फिर आगे का दिखाती हूँ आपको। अब देखिए अब यहाँ से आगे इतना छोड़ के हम सिल देंगे इसको दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए। ये फ्रेंड मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आपने आराम से सिलना है एक एक लूप लेते हुए। मैं एक एक छोड़ के ऐसे ही बता रही हूँ आपको। देखिए नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी बन जाती है। अब यहाँ से हम इसको सिंगल करके सिलेंगे। इसको खींच लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे गुलाई आ जाए। अरे देखिए यहाँ से अब हम धागा काट के फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। और ये देखिए हमारा बूट बनके कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से ये बन के आएगा। तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक